सूर्या ही थे। और अब मनीष सूर्या बाहर आ चुके हैं तकरीबन 17 महीने के बाद। बहुत लंबा वक्त होता है 17 महीना, जब कोई एक पार्टी का बड़ा नेता 17 महीने तक जेल के भीतर रहे। और यही वजह रही कि आम आदमी पार्टी बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस कर रही थी। अब मनीष सूर्या ने जब बाहर आए हैं तो जिस तरीके का जोश देखने को मिल रहा है, जिस तरीके के लोगों के बीच में उत्साह देखने को मिल रहा है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में, वह जो है तो एक बूस्टर का काम करेगा। आम आदमी पार्टी के जो नेता थे सौरभ भारद्वाज, आतिशी और बाकी सारे नेता जो थे, उन लोग भले पार्टी के कामकाज को संभाले हुए थे, लेकिन जो एक बूस्टर मिला है, जो एक बड़ा आम आदमी पार्टी को एक बड़े नेता के बाहर आने के बाद जो बूस्टर मिला है, वो जो है तो अब काम करेगा आने वाले विधानसभा चुनाव में। मनीष सिसोदिया बाहर आ चुके हैं और अब राजघाट से बाहर निकल चुके हैं, राजघाट आए हुए थे और राजघाट से बाहर निकलने के बाद अब अपनी गाड़ी में सवार हो चुके हैं और अब वो आम आदमी पार्टी के सीधे कार्यालय जाएंगे और आम आदमी पार्टी के कार्यालय में उनकी पहली स्पीच होगी। अपना अनुभव साझा करेंगे 17 महीने तक जेल में रहने के दौरान, किस तरीके से उनके इमोशनल किस तरीके से इमोशंस रहे, किस तरीके से परेशानियां रहीं, जिस तरीके से खासतौर पर उनकी फैमिली को लेकर के परेशानियां बढ़ी रहीं, उन सारी चीज़ों को साझा करेंगे और क्या कहते हैं ये देखने की बात होगी। हालांकि पहले से कयास लगाना ठीक नहीं होगा, लेकिन आम आदमी पार्टी के नंबर दो के नेता कहे जाने वाले, दिल्ली में नंबर दो के नेता कहे जाने वाले और दिल्ली सरकार को पूरी तरह से चलाने वाले, दिल्ली में जो सरकार आम आदमी पार्टी की है उसको पूरी तरीके से चलाने वाले जो मनीष सिसोदिया हैं, अब वो बाहर आ चुके हैं। राजघाट में थे, राजघाट के बाद अब वो बाहर निकल चुके हैं और अब आम आदमी पार्टी के कार्यालय जाएंगे जहाँ पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, अपने इमोशन साझा करेंगे। अब 17 महीने तक जेल में रहने के दौरान, जेल में बिताए हर एक पल हर एक क्षण का अपना अनुभव साझा करेंगे, अपनी बातें कहेंगे, अपने इमोशंस को कार्यकर्ताओं के साथ साझा करेंगे। देखने की बात होगी कि कार्यालय में पहुंचने के बाद मनीष सिसोदिया क्या कहते हैं आने वाले चुनाव को लेकर के, कार्यकर्ताओं को लेकर के और इन सभी बातों को लेकर। कैमरा पर्सन अनिल के साथ, पंजाब केसरी के लिए सुनील सुधाकर पांडे।